हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देर रात से बारिश, सड़कों पर बहने लगा पानी, बारिश के साथ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले तीन दिन हवा के साथ बारिश के आसार। बाड़मेर में मौसम लगातार बदलता जा रहा है। बुधवार को अल सुबह से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश चल रही है। जिले में ग्रामीण व शहरी इलाकों में बारिश व बूंदाबांदी के बाद शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। आसमान में बादल छाए रहे, 7 जनवरी तक मावट की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल जिले में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे और शाम को हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को अधिकतम पारा 27.1 और न्यूनतम 15.0 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि रात के समय बूंदाबांदी के बाद फिर से शीतलहर का दौर शुरू हो गया। बुधवार सुबह से तेज हल्की बारिश का दौर चल रहा है। बारिश के साथ हवा चलने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह बारिश की वजह से स्कूली बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कई प्राइवेट स्कूल संचालकों ने बारिश व सर्दी को देखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी है। शीतलहर से बीते दो तीन दिनों से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मावट की बारिश के साथ शीतलहर का असर बढ़ने लग गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि नहीं होती है तो रबी की फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। ओलावृष्टि होने पर सरसों सहित अन्य फसलों को नुकसान होगा। सड़कों पर बहने लगा पानी, रात को सुबह से तेज व हल्की बारिश होने की वजह से शहर की सड़कों पर बरसाती पानी बहने लग गया। वहीं बरसात की वजह से सुबह से लोगों की आवाजाही कम नजर आई। लोगों के जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। पारा गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक जिले में हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। जिले में कई स्थानों पर हल्की तो कई तेज बारिश हो सकती है। 8 जनवरी तक ये न्यूनतम पारा 7 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। 7 जनवरी तक जिले में आकाशीय बिजली की गर्जना के साथ कई हल्की और तेज बारिश की संभावना जताई है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।